मुझे बहुत फखर हो रहा है कि पार्क आर्मी ने अपना दूसरा गोल भी करके दिखा दिया। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to. Yeah, Jake Kabir wala ka ground. 21वां All Pakistan Mohammad Din Memorial Tournament KFC. कबीर वाला की जो फुटबॉल की टीम है वो करवा रहे हैं ये वाला टूर्नामेंट। और आज पहला मैच है पाकिस्तान आर्मी वर्सेस मुल्तान, मुल्तान का डिपार्टमेंट है उनके दरमियान मैच है। और जो पाकिस्तान आर्मी के टीम है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी खेल रहे हैं और मैं अभी आया यहाँ पे ग्राउंड में। और ये आप देख सकते हैं ये हमारा कबीर वाला का ग्राउंड है। रोशनी रोशनी आपने वो वाली बात सुनी होगी कि ग्राउंड आबाद तो हॉस्पिटल वहरान। लोगों को ये ग्राउंड दिखाना चाहता हूँ, बड़े अरसे के बाद यहाँ पर मैं आऊँ। ये एक साइड ये वाली है और दूसरी साइड है ये वाली। ये ग्राउंड के दरमियान में खड़ा हूँ मैं। अभी शुरू होने वाला है, ये है मुल्तान डिपार्टमेंट, मुल्तान डिपार्टमेंट की ये टीम है। और ये सामने पाक आर्मी की टीम में इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और दूसरे लोकल प्लेयर्स भी। Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits. Don't be rigid. अच्छा, अभी दोनों टीमों को लाइन अप करके उसके बाद तराना हो चुका है और अभी जो मेहमान खुसूसी हैं उनसे उनका तारुफ करवाया जा रहा है क्योंकि ये ओपनिंग मैच है और ओपनिंग मैच में यही काम होता है। आप मेहमान खुसूसी से लाजमी टीमों को मिलवाते हैं और ये टीमें भी उनसे मीटिंग और तकरीबन आधे घंटे बाद तकरीबन ये मैच दोबारा शुरू हो जाएगा। Feel alive, find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. ये मैच स्टार्ट हो चुका है, टाइम था 8:30 का और मैच शुरू हुआ है 33 मिनट पे, 3 मिनट लेट। चलो कोई बात नहीं, खैर स्टार्ट हो गया। चलिए जी, मुल्तान की तरफ से गोल हो चुका है पाक आर्मी को। और मैंने आपको पहले बताया कि पाक आर्मी जो है उसमें इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे हैं लेकिन और जो मुल्तान के हैं वो सिर्फ लोकल प्लेयर्स हैं। मुकाबला भी एक एक से बराबर हो चुका है क्योंकि आपके सामने ही, बिल्कुल सामने आर्मी की तरफ से भी गोल हो चुका है और अभी मुकाबला बिल्कुल बराबर है, दोनों की जानब से एक एक गोल हो चुका है। आर्मी बिल्कुल करीब है, ये देखे ये गोल हो सकता है और नो 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 नो, नो। बच गया। ये कॉर्नर है पाक आर्मी के पास और देखते हैं, बिल्कुल ऊपर ही है, चार प्लेयर्स ऊपर हैं, कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। नो, ज़्यादा दूर से मार दिए। अच्छा, मैंने एक बात नोट कर ली है यहाँ पे कि पाक आर्मी जो अपना जोर दिखा रही है लेकिन मुल्तान हो सकता है अभी भी ओए, थोड़ा सा बचा है, इतना सा बचा सिर्फ बस। और मैं बात कर रहा था कि मैं देख रहा हूँ कि पाक आर्मी जो है वो अपना जोर ज़्यादा दिखा रही है क्योंकि उनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेल रहे हैं और लोकल भी। जो मुल्तान की टीम है उसमें सिर्फ लोकल प्लेयर्स हैं लेकिन वो भी अच्छा खेल रही है। पहला गोल इन्होंने किया, उसके बाद पाक आर्मी ने उन्हें अपनी साइड पे जाने नहीं दिया, यहीं पे खड़े हैं। एक और बात मैं बता दूं कि मुझे ना फुटबॉल के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, बस यही पता कि गोल होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। ओह, फिर से बच गए, पाक आर्मी बिल्कुल नज़दीक आ गई थी और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता इसका, सिर्फ यही पता है कि प्लेयर्स होते हैं और फुटबॉल होता है और गोल करने होते हैं, पेनल्टी होती है या कॉर्नर होता है, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। पाक आर्मी और हो सकता है अभी भी ये खड़े हैं पाक आर्मी। और भाई ये पाक आर्मी अपना चौथा चांस मिस कर चुकी है अभी, चौथा, और किस्मत मेरी देखेंगे चार के चार यहाँ पे मैंने खुद मिस करवाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आतिफ और मैं डेरा हक को सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरी सब लोगों से अपील है कि वो हमारे ग्राउंड में आए और इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाएं, शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और ये हमारे शहर कबीरवाला में टूर्नामेंट हो रहे हैं पाक आर्मी और डेरा बरहक का। मैं पाक आर्मी को सपोर्ट करता हूँ, ये हमारी कौमी टीम है और हम इसे सपोर्ट करते हैं और इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह मैं इसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और इसे इसके साथ हूँ और ये जीतेगी और इस तरह के मैच और भी टूर्नामेंट हमारे कबीरवाला शहर में होते रहेंगे। अभी फिर चांस है पाक आर्मी के पास। ये पाक आर्मी यार कीपर क्या हुआ यार, गोल हो गया यार पाक आर्मी का, इराक ने गोल कर दिया, बड़ा दुख हो रहा है यार। अगर से कहता हूँ कि पाक आर्मी ही जीतेगी, ये पाक आर्मी का दूसरा गोल है, हम पाक आर्मी के लिए जान भी दे सकते हैं अपनी। अच्छा भैया, ऐसा है कि पाक आर्मी अपने दो गोल्स के साथ आगे खड़ी है, एक गोल है मुल्तान का और दो गोल हो चुके हैं पाक आर्मी के और पाक आर्मी आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं भाई। पहला गोल इन्होंने किया है मुल्तान डिपार्टमेंट ने, लेकिन उसके बाद पाक आर्मी ने नज़दीक नहीं लगने दे रहे। पाक आर्मी एक बार दोबारा, पाक आर्मी एक दफ़ा और नज़दीक आते हुए, लेकिन दो चांस क्या है फिर। हाफ टाइम हो चुका है और यहाँ पे लाइट भी चली गई है, लाइट्स बंद कर दी गई हैं इसलिए कि आवाम ग्राउंड में ना गुस्सा है, तो वहाँ लेंगे पाकिस्तान है तो भाई कुछ भी हो सकता है। अच्छा हाफ टाइम चल रहा है और पाक आर्मी जो है वो यहाँ पे आ गई है और मैं जा रहा हूँ उनके कमरे में और मैंने उनसे इजाज़त ले रखी है, मैं उनके कमरे में जा रहा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि अंदर का माहौल कैसा है, वो क्या कर रहे हैं अंदर कमरे में। अस्सलाम वालेकुम जी, तीन एक के साथ ये पाक आर्मी की टीम है और 3-1 के साथ ये लीड कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, इधर हम पहली दफ़ा आए हैं तो इधर खेलने का बहुत मज़ा आ रहा है, ग्राउंड बहुत आउट क्लास है, लाइटिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग है और बहुत मज़ा आ रहा है खेलने का और इधर तमाशाई जो है वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं तो इधर खेलने का बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत उस वक्त मेरी टीम जो है ना खसारे में जा रही थी, मैंने जब गोल किया तो बहुत मुझे खुशी हुई है कि टीम मेरी बराबर हो गई है उनके और बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और ज़्यादा एफर्ट करने को दिल का किया है कि मेरी टीम बर्तरी में आ जाए और मेरी टीम विन कर ले। बस एक बात है, हमारे ग्राउंड के जो वाशरूम बने हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल से कम तो नहीं है, ये देखें आप। और सबसे अच्छी बात ये, हर चीज़ बिल्कुल साफ़ है, कोई गंदगी नहीं है, कोई स्मेल नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे जो मेहमान आए हैं वो मुझे उम्मीद है कि इंजॉय कर रहे होंगे ग्राउंड को भी और ये जगह ये एरिया इसको भी। Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? दूसरा हाफ शुरू हो चुका है और अभी तक दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं किया, वही 3-1 के साथ खड़े हैं पाक आर्मी, 3 गोल्स के साथ आगे और मुल्तान का एक गोल है भाई। इस वक्त मैं उस साइड पे खड़ा हूँ जिस साइड पे बिल्कुल भी बॉल नहीं आ रहा, मतलब ये कि पाक आर्मी वाली साइड पे दूसरी टीम ने एक गोल किया था और उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ आने नहीं दिया, ये मेरे ख्याल में उससे पाउंड लग गया प्लेयर को। अस्सलामुअलैकुम, हम इधर कबीरवाला में पाकिस्तान आर्मी टीम लेके आए हैं, टीम के साथ मैं टीम ट्रेनर हूँ। इधर कबीरवाला में आए हैं, बहुत ही मज़ा आया है, मज़ा आ रहा है, टीम हमारी 3-1 से जीत गई है पहला मैच, इधर के क्राउड, इधर के इंतज़ामिया सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और इंशाल्लाह आगे तक हम चलते रहेंगे, फाइनल तक जाएंगे इंशाल्लाह, फिर जो भी होगा देखी जाएगी इंशाल्लाह। पता नहीं यहाँ पे क्या मसला है कि मैच ख़त्म होते ही इन्होंने लाइटें बंद कर दी और यहाँ पर सारा अंधेरा ही अंधेरा हो गया और इसके अलावा पाक आर्मी 3-1 से मैच जीत चुकी है, पाक आर्मी कल अपना दूसरा मैच भी खेलेगी और यहाँ पे इनाम क्या बात है, इनाम बढ़ा यार, यहाँ पे जो टीम मैच जीतेगी उसे 10,000 और जो हारेगी उसे 8,000, ये डेली
डेली जो मैच होगा उस पर, और जो फाइनल का इनाम है वो अलग से है। ये डेली जो टीम जीतेगी उसे 10,000 और जो हारेगी उसे 8,000 देंगे।